नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, पंडित जी से जानते हैं कि जब आप विवाह करने जा रहे हैं आपकी बेटी का बेटे का, तो उससे पहले कुंडली मिलान जो है वो क्यों ज़रूरी हो जाता है, और कुंडली मिलान अगर आप करवा रहे हैं तो किन चीज़ों का विश्लेषण आपको करना है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के शुभ संयोग की। गुलक ट्रिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। क्या सिर्फ गुण मिलान करने के पश्चात विवाह कर लेना चाहिए? आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके या आपकी बेटी या आपके बेटे के विवाह से पहले संभावित वर या वधू की कुंडली में किन किन बातों का विश्लेषण होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज मैं आपके साथ कर रहा हूं, तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में ही की जाती है। शुरुआत करते हैं जल्दी से आज के शुभ संयोग के साथ, फिर महत्वपूर्ण चर्चा पे आएंगे। आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 9 अप्रैल 2021, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, प्रदोष व्रत आज ही किया जाएगा। आज प्रातःकाल भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का और संध्या समय में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से, पूजन करने से, उपाय करने से आपके सभी विचार मनोरथ पूर्ण होंगे। मिलेगी आपको दरिद्रता, कंगाली से मुक्ति, दूर होगी आपके विवाह में आ रही रुकावटें, इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। जी, और पंडित जी, अब जो आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। जी बिल्कुल, आइए दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। आपके विवाह से जुड़ी, आपके बच्ची के विवाह से जुड़ी, आपके बेटे के विवाह से जुड़ी। विवाह जीवन में एक बार ही होता है, दूसरी बार तो तलाक होने के बाद दूसरा विवाह तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या गुण मिलान करने के पश्चात विवाह कर लेना चाहिए? दोस्तों, विवाह को एक नए जीवन की, एक नई लाइफ की शुरुआत माना जाता है। कहते हैं कि विवाह एक अंधा जुआ है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि आपके जीवन में जो आपका लाइफ पार्टनर बन के आ रहा है उसमें क्या अवगुण है, क्या दुर्गुण है और क्या उसमें सद्गुण है। जब साथ रहते हैं तो अवगुण पता पड़ते हैं, दुर्गुण पता पड़ते हैं और सद्गुण भी तभी पता पड़ते हैं। आमतौर पर गुण यानी अष्टकुट मिलान से विवाह की संभावनाओं का आकलन कर लिया जाता है। पंडितों के पास जाते हैं आप, जन्म तारीख जन्म समय देते हैं, गुण मिलान कर लेते, इतने में से इतने गुण मिल गए, यानी वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गणदोष, भ्रकुट और नाड़ी का मिलान जनरल वे में किया जाता है सामान्य तौर पे। इन सभी 8 श्रेणियों को 1 से 8 तक नंबर दिए गए, गुण दिए गए। इनके आधार पर 36 गुण होते हैं। आमतौर पर 24 या उससे ज़्यादा गुण मिलना अति शुभ माना जाता है। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या आपके लाइफ के, आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना जिससे एक पूरी भावी पीढ़ी की नींव रखी जाती है, नाजों से पाल पोस कर पड़ी आपने जो अपनी बिटिया को बड़ा किया है, क्या सिर्फ गुण मिलान के आधार पर हम उसे किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे सकते हैं या दूसरे घर की बेटी को अपने घर में ला सकते हैं सिर्फ गुण मिलान के आधार पर? आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके या आपकी बेटी या आपके बेटे के विवाह से पहले संभावित वर वधू की कुंडली में किन किन बातों का विश्लेषण होना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यदि आप अपने लिए या अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं, वर ढूंढने जा रहे हैं, तो आपको लड़के की कुंडली में कुछ बातों का ध्यान रखना है। 36 में से 30 गुण मिल गए हों तो भी ये 3-4 क्राइटेरिया हैं
जो देखनी जरूरी है। 36 में से 10 गुण मिले हो, लेकिन ये तीन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सबसे पहली चीज, लड़के की कुंडली में संतान सुख होना चाहिए। अपनी बिटिया जिस लड़के को देने जा रहे हैं, उस लड़के की कुंडली में 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं, लेकिन संतान सुख है या नहीं, योग्य आचार्य से उसका विश्लेषण करवाइए। अगर लड़के की कुंडली में संतान सुख नहीं है, तो आज भी इस कलयुग में दोष किसको देते हैं? लड़की को देते हैं। सासुए कटु सत्य तो ये है कि आज के समय में भी सासू माँ जो है वो अपनी बहू को लेकर जाएगी डॉक्टर के पास में चेकअप करवाने कि डॉक्टर साहब संतान नहीं हो रही, इसको देखो आप, अपने बेटे को नहीं लेके जाएगी। तो यदि आप अपनी बिटिया के लिए वर ढूंढ रहे हैं, तो सामने वाले लड़के की कुंडली में पूर्ण संतान सुख होना चाहिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात। आप समझ गए? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि लड़के की कुंडली में पूर्ण आयु का सुख होना चाहिए। शादी के 2-4 साल बाद गुड़क जाए ऐसा छोरा नहीं चाहिए। लड़का अल्प आयु का या मध्यम आयु का नहीं होना चाहिए। लड़का अल्प आयु मध्यम आयु का नहीं होना चाहिए। लड़के की आयु पूर्ण होनी चाहिए। Nobody can predict, but a good astrologer can check कि ये जो लड़का है ये अल्प आयु का है या मध्यम आयु का है या पूर्ण आयु का है। 36 में से 30 गुण मिल रहे हो और लड़का शादी के 2-4 साल बाद ही राम राम सत्य हो जाए, तो ऐसे गुण मिलान का क्या फायदा, आप बताइए ना। तो पहला क्राइटेरिया संतान सुख, दूसरा क्राइटेरिया लड़के की आयु, विश्लेषण के मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं। तीसरा और महत्वपूर्ण क्राइटेरिया, लड़के की कुंडली के अनुसार लड़के का करैक्टर अर्थात चरित्र अच्छा होना चाहिए। आपने गुण मिलान कर लिया, 36 में से 30 गुण मिल गए, आपने ये देख लिया कि लड़का काम क्या करता है, सूरत देख ली आपने, उसकी नौकरी देख ली, बिजनेस देख लिया, कितना कमाता है ये देख लिया, उसका घर बार देख लिया, ये सब तो देख लिया। बच्चों ने, लड़के लड़की ने आपस में 2-4-5-6 बार बात भी कर ली, लेकिन विवाह के पश्चात जब आपकी बेटी पति के घर में पति के साथ रहने जाती है, पत्नी बन के जाती है, तो कुछ महीनों में, कुछ सालों में पता पड़ता है कि उसका पति जो है कितना बड़ा दिलफेक आशिक है। दोस्तों, एक महिला, एक विवाहित महिला जीवन में कभी नहीं टूटती है, वो उस दिन टूटती है, वो अपने पति के हर संघर्ष में, हर दुख में पति के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती है, वो उस दिन टूटती है जिस दिन उसे पता पड़ता है कि उसके पति के दूसरी औरतों के साथ संबंध है। तो कुंडली मिलान करते समय योग्य आचार्य से ये जरूर पता करवाएं कि आपकी नाजों से पली बिटिया जिस हाथ में सौंप रहे हैं, जिस लड़के को उसको सौंप रहे हैं, उस लड़के का चरित्र कैसा है। तो लड़का दिलफेक आशिक नहीं होना चाहिए। लड़के की कुंडली में ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह यदि आप अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो उस लड़की की कुंडली में भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, विश्लेषण रखना बहुत जरूरी है। क्या? अपने बेटे के लिए, बेटी आप बहू ढूंढ रहे हैं, तो लड़की की कुंडली में, जैसे लड़के की कुंडली में बताया था, सबसे पहला पॉइंट, लड़की की कुंडली में भी संतान सुख होना चाहिए। अगर लड़की की कुंडली में संतान सुख नहीं है, तो डॉक्टरों के पास 10-10 साल चक्कर काटते रहो, लाखों रुपए इलाज में लगा दो, पर संतान सुख नहीं मिले, तो क्या फायदा ऐसे में 36 में से 30 गुण मिलने का। तो लड़की की कुंडली में पूर्ण संतान सुख होना चाहिए, योग्य आचार्य से विश्लेषण करवाइए। दूसरा, जैसे लड़के की पूर्ण आयु होनी चाहिए, वैसे ही लड़की की भी कुंडली में पूर्ण आयु का सुख होना चाहिए। लड़की अल्प आयु की, मध्यम आयु की नहीं होनी चाहिए, लड़की की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कुंडली मिलान में 36 में से 30 गुण मिल रहे हो, लड़की घर में शादी के पश्चात में आवे बहू हमेशा बीमार रहे, या शादी के 2-4 साल में ही गुड़क जावे, तो ऐसे मिलान का कोई मतलब नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, दो बातें कॉमन है लड़के लड़की की कुंडली मिलान में, आयु सुख और संतान सुख। लड़के की कुंडली में आपने चरित्र देखा,
ऐसे ही लड़की की कुंडली में तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लड़की का पगफेरा। कहते हैं कि लड़की का पगफेरा अच्छा होना चाहिए। कुंडली मिलान में यह अवश्य देखना चाहिए कि लड़की का पगफेरा ससुराल के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, ननंद के लिए, पति के लिए कैसा है। एक लड़की घर में जब बहू बनकर आती है तो उस घर में चार चौगुनी वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य आता है, खुशियां आती है। और आज के इस कलयुग में एक लड़की घर में बहू बनकर आती है तो घर के सदस्यों को जेल में भी बैठा देती है। तो मूल बात क्या है, लड़की का पगफेरा अच्छा होना चाहिए, संतान सुख होना चाहिए, आयु सुख होना चाहिए और पगफेरा, ये दो तीन क्राइटेरिया लड़के और लड़की कुंडली में आपको अवश्य देखना चाहिए जब भी आप कुंडली विश्लेषण करवाएं, गुण मिलान करने जाएं। मांगलिक दोष, अब चर्चा करता हूं मांगलिक दोष पे। 36 गुणों के अलावा कुंडली में मांगलिक दोष पर भी विचार किया जाता है। यूं तो कुंडली में मांगलिक दोष होना आम बात है, लेकिन कुछ भावों में मंगल की उपस्थिति के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कुंडली में मांगलिक दोष निरस्त होने के कई योग भी हो सकते हैं। लग्न सूर्य चंद्र गुण मिलान के अलावा संभावित वर वधु की कुंडली में लग्न भी देखा जाता है। परस्पर सामंजस्य के लिए उसके लग्नेश आपस में मित्र होने चाहिए, शत्रु नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए सूर्य और चंद्रमा का विस्तार से विश्लेषण किया जाना चाहिए। प्रथम भाव, यह भाव व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्ति के बारे में बताता है। पहले भाव के अध्ययन से पता चलता है कि क्या लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे या लठ बजाएंगे। सेकंड हाउस, द्वितीय भाव, कुटुंब और वाणी का भाव माना जाता है। यह भाव बताएगा कि बोली कैसी रहेगी लड़का या लड़की की, उसका व्यवहार कैसा होगा। यदि दोनों की बोली रूखी रहेगी तो उनका जीवन कलेश से भरा रहता है, ऐसे में अच्छी जोड़ी नहीं मानी जाती है। प्रथम भाव और द्वितीय भाव, फिर चतुर्थ भाव भी देखना है आपको। सुख और घरेलू संतोष का भाव है। किसी भी शादी की सफलता के लिए इस भाव में, चतुर्थ भाव में घरेलू माहौल का आकलन किया जाता है। सप्तम भाव, वैवाहिक सुख जीवन साथी का भाव है। दोनों की कुंडली में यह भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए, इससे उनका सुखद वैवाहिक जीवन सुनिश्चित होगा। अष्टम भाव, चरित्र और जीवन साथी की संपत्ति का भाव है। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, लड़के या लड़की का अच्छे चरित्र का होना अति आवश्यक है। 12वां भाव, खर्चे का भाव है। यदि लड़का और लड़की दोनों को खर्च करने की बहुत ज़्यादा आदत हो तो फिर उस घर की जो गाड़ी है उसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कम से कम बचत की आदत तो होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिन्हें आपको देखना होगा। तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आयु, संतान सुख और लड़के का करेक्टर। लड़की के लिए आयु, संतान सुख, लड़की का पगफेरा। मांगलिक दोष, लड़की मांगलिक हो, लड़का नॉन मांगलिक हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। लड़की के मंगल का असर लड़के के ऊपर पड़ता है, लड़के की आयु पे संकट आता है, उसके कैरियर में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अगर मांगलिक लड़का है तो मांगलिक लड़की है तो मांगलिक लड़का ही ढूंढिए और योग्य आचार्य से कुंडली का विश्लेषण करवाइए। आजकल प्रथा हो गई है, हम कंप्यूटर बैठते 36 में से 30 गुण मिल गए, पंडित जी गुण मिल गए, अरे आपने ग्रह तो देखे ही नहीं, ये सब चीज़ें तो देखे ही नहीं, उसके बाद में फिर नाना प्रकार की परेशानियां आती है। तो आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी बेटी देते समय या किसी और की घर की बेटी लाते समय इन क्राइटेरिया के ऊपर आप कुंडली विश्लेषण करवाइए, सिर्फ गुण मिलान पे मत जाइए। जी, तो पंडित जी जानकारी आपने हमें बहुत सारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।